कॉमर्शियल यूज के लिए तीन तरह का एनर्जी अभी हम लोग के पास चल रहा है इंडिया में। पहला है थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी में क्या होता है कि सैकड़ों ट्रक कोयला प्रतिदिन थर्मल पावर में जाता है और जलता है, उससे गर्म पानी होती है, गर्म पानी से स्टीम बना के टरबाइन में पास करवा के उसके पंखी नचा के बिजली लेते हैं। दूसरा माध्यम हो गया विंड मिल। विंड मिल में क्या होता है कि पंखी को घुमाया जाता है और उस हवा से जिसे बिजली बनाया जाता है, जैसे आपको मैं फूंक के एक छोटा सा टरबाइन से डेमो दिखाता हूँ। और तीसरा माध्यम है पनबिजली, जिसको कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें पानी को फोर्स से टरबाइन को नचा के बिजली बनाया जाता है। इसका भी मैं आपको आगे दिखा रहा हूँ। नमस्कार, मैं आदित्य आदर्श और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर टुडे। इनोवेशन की दुनिया है और पर डे नया नया इनोवेट होते रहता है। ऐसे में हमारे साथ रोहित जी मौजूद है जो हाइड्रोलिफ्टिंग टेक्नोलॉजी का इनोवेटर है। तो बात करते हैं इनसे और जानते हैं कि आखिर ये टेक्नोलॉजी क्या है, क्योंकि आप सभी जानते होंगे कि टरबाइन से बिजली बनाया जाता है डैम लगाकर, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग प्रोसेस से बिजली बनाया जा रहा है। तो जी, सबसे पहले आपका नमस्कार हमारे चैनल में। थैंक यू जी। आप बताइए कि क्या कुछ होने वाला है इस टेक्नोलॉजी में। देखिए, ये टेक्नोलॉजी रीसर्कुलेट बेस पे हम लोग बनाए हैं, क्योंकि पानी को एक ही पानी बार बार सर्कुलेट है। पुरानी टेक्नोलॉजी में क्या होती थी कि अगर हम 1000 लीटर पर सेकंड से हम बिजली को ये पानी को डिस्चार्ज कर रहे हैं और 1000 किलोवाट बिजली जनरेट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल समझते हैं, तो अगर जो पानी अपर रिजर्वायर से नीचे लोअर रिजर्वायर में आ गया है, उस पानी को फिर अगर आप लोअर रिजर्वायर से अपर रिजर्वायर में डालेंगे तो जितना जनरेट किया उसे दुगना खर्च लग जाता था ऊपर भेजने में। जी, तो डैम, वो तो डैम के प्रोसेस से होता था, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि पानी का टंकी लगाया हुआ है, स्मॉल मॉडल बनाया हुआ है, तो ये क्या है? ये आपका एक छोटा सा मॉडल है, ये सिर्फ समझाने के लिए, ये यूज पर्पज़ के लिए नहीं है। ये एक छोटा सा मॉडल है, प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप क्या होता है कि बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी कॉलेज बनता है तो एक देखते होंगे कि छोटा सा मॉडल थर्मोकोल का या फाइबर का बनाया जाता है कि ऐसे ऐसे होगा। यही एक छोटा सा प्रोटोटाइप है, फंक्शनल प्रोटोटाइप है, जो बॉल जला के दिखाया गया है। जो आप टंकी देख रहे हो वो कई एकड़ में ओरिजिनल अगर प्रोजेक्ट बनेगा तो। टंकी कितने लीटर का है? ये 2000 लीटर का है जी। ये भी 1000 लीटर का है जी। तो मतलब इसमें क्या प्रोसेस है, प्रोसेस बता दीजिए हमें। प्रोसेस ये है कि इसमें पानी जो है ऊपर से जो नीचे आएगा तो जो बिजली जनरेट करेगा उसका मात्र 15% में नीचे से पानी ऊपर चला जाएगा और एक ही पानी जनरेट हो जाएगा और 85% बिजली हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, वो जनरेट करेगा जी। तो ये प्रोसेस करके दिखा दीजिए हमें। देखिए, ये अपर रिजर्वायर है, ये आपका लोअर रिजर्वायर है, ये वाला लोअर रिजर्वायर है, ये पेन स्टॉक है। जैसे ही पानी को देखिए यहाँ पर डिस्चार्ज करेंगे, ये देखिए लाइट जल गया, देखिए अभी बंद है, इसे ही डिस्चार्ज करेंगे, ये लाइट जला गया, फिर आपको इसमें पानी आ गया। राजीव दिखा दीजिए, फिर हम इसको जो है इस लेवल से, वो ड्रम का लेवल नीचा है, अब देखिए इसका पानी जो है उसमें चला जाएगा। देखिए वहाँ मतलब ये ऊपर से पानी आया और इसमें नीचे वाले में आ गया और इस ड्रम में गया, फिर ये ड्रम से जाने के बाद ऊपर कैसे जाएगा? ऊपर जैक को जैसे ही हम 6 इंची रिलीज करेंगे तो इधर अगर 100 kg वजन है तो उधर 110 kg वजन दिए गया है। जैसे ही जैक को रिलीज करेंगे तो ये तराजू का काम करेगा और ये पानी नीचे से ऊपर चला जाएगा। अच्छा, ये जैक में अभी यहाँ पे लगाए, ये सब मैनुअल है, लेकिन जो ओरिजिनल प्लांट जब लगेगा प्रैक्टिकल वाला तो उसमें क्या होगा कि ये काफ़ी बड़े तो कितना मेगावाट लगेगा उसमें? इसमें आप जितना 10 एकड़ 20 एकड़ 5 मेगावाट 10 मेगावाट 20 मेगावाट 50 मेगावाट 100 मेगावाट जितना कैपेसिटी है उस हिसाब से इसको आप लगा सकते हैं। अगर मान के चलिए आप 1000 किलोवाट बिजली जनरेट कर रहे हैं इस टेक्नोलॉजी से, तो ऊपर पानी ले जाने के लिए कितना किलोवाट बिजली लगेगा? मात्र 150 किलोवाट 15% 15% लगेगा, मतलब 85% डायरेक्टली बिजली बच रहा है। जी जी जी। तो जो आप वहाँ पे ऊपर चला गया जी जी, उसका देखिए वहाँ एक एक बूंद पानी गिर रहा है जी, वो पानी जान के होल किया गया है ताकि पता चले कि पानी गिर रहा है, पास हो रहा है। अब वो पानी देखिए इस टंकी में चला जाएगा जी, इस टंकी में पानी चला जाएगा और ये फिर रिवर्स में यहाँ पे आ जाएगा। तो आप रोहित जी ये बताइए कि इस टेक्नोलॉजी को बनाने में कितना समय लगा है आपको और कितना छोटे से प्रोजेक्ट बनाने में कितना आपका खर्च लगा है? देखिए, ये इसको ये प्रोजेक्ट नहीं है, ये मॉडल है, पहले आप समझिए। इसको हम लोग इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये आपका प्रैक्टिकल मॉडल है, आपको ये नहीं कमर्शियल पर्पस के लिए यूज करने के लिए। कमर्शियल पर्पस के लिए कब तक लाएंगे आप? ये गवर्नमेंट को हम लोग प्रपोजल दिए हैं, ये 3 एकड़ जमीन में लगभग 1 मेगावाट का प्रोजेक्ट बनेगा और 1 मेगावाट में लगभग 11 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है और वो 2.5 साल में कंप्लीट ये आपका रिकवर हो जाएगा प्लांट का कॉस्ट और फिर
डैम का तो लाइफ 70 साल 80 साल होता है, उसके बाद फिर आप फ्री में बिजली। आपने ये इनोवेशन किया है तो आपको कितना समय लग गया इस चीज़ को बनाने में? काफ़ी दिनों से हैं हम तो, ऐसे कहिएगा तो बचपन से ही पीछे कॉपी के पीछे ड्राइंग बनाना, कैलेंडर के पीछे सादा पेपर पे ड्राइंग बनाना हम लोग करते रहते थे। लेकिन इधर है कि पिछले एक साल में हम लोग इसको कंप्लीट किए हैं और एक साल हम लोग डॉक्यूमेंटेशन में दिए हैं, जैसे इसका पेटेंट हम लोग ने करवाया है। अच्छा, पेटेंट भी करवा चुके हैं? हाँ, पेटेंट का प्रोसेस करवा कंप्लीट करवा चुके हैं और उसमें जो है गवर्नमेंट का जो प्रक्रिया है तो अभी जारी है, लेकिन कंप्लीट प्रोसेस कंप्लीट है। अच्छा, आप अपने एजुकेशन के बारे में बता दीजिए कि आपका एजुकेशन क्या है, रहा है? हम लोग मैं क्लास 10th पास हूँ। अच्छा, आप क्लास 10th पास है और ये इतना अच्छा प्रोजेक्ट बनाए हैं आप? हाँ, कह सकते हैं। तो मतलब बिहार के और देश के जो यूथ है उनके लिए आप क्या कहना चाह रहे हैं? देश के यूथ कहते हैं कि हम यही कहना चाहेंगे कि किसी के पीछे नहीं भागे, कुछ अपना जो भी हो, छोटा प्रोजेक्ट हो, बिजनेस हो, कोई भी स्टार्टअप हो नया, तो कुछ भीड़ से हट के करना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा, ये मतलब 10th पास है और नया इनोवेशन की है लिफ्टिंग टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट का नाम है, जिससे 1 मेगावाट बिजली बनाने के लिए 3.5 एकड़ का ज़मीन लगेगा और 11 करोड़ का खर्च आएगा और ये जल्द ही आपको कमर्शियल पर्पज़ के लिए आ जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट का प्रोसेस अभी लगा हुआ है। ऐसे भी और भी इनोवेटर के पास जाएंगे, उनसे जानेंगे और बातें करेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल न्यूज़ फॉर टुडे के साथ। अभी चलते हैं, धन्यवाद।